वो पहले उससे पूछिए कि कौन गठबंधन में है। पासवान जी कहा करते थे, भाषण आप लोग भी सुने होइएगा कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि अब पूरब जाए या पश्चिम जाए। उसकी स्थिति वही है, वो एनडीए गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में है, वो पहले वो फैसला करे। कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के कयास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, उसके आधार पर पार्टी अपना फाइनल स्टैंड उस वक्त आप लोगों के सामने। ये कुछ वक्त पहले की बात थी जब चाचा की तीखी टिप्पणियों के बाद भी चिराग पासवान के पास जवाब नहीं हुआ करता था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चिराग ने अपने चाचा को करारा जवाब दे दिया है। साथ ही मोदी सरकार 3.0 में चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना भी जताई जाने लगी है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, जो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और जिन्होंने रामविलास पासवान के जाने के बाद उनकी पार्टी हथिया ली और चिराग को बेदखल कर दिया, इसके बावजूद बीजेपी ने चिराग को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी माना है और चाचा को नया ऑफर दे दिया है। आप राज्यपाल बन जाइए, बेटे प्रिंस को नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद दे दिया जाएगा। इसके बाद पशुपति पारस ऑफर माने तो ठीक, वरना बाहर का रास्ता खुला है। कुछ यही संदेश मोदी के हनुमान चिराग पासवान पर भरोसा दिखाकर बीजेपी ने दे दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने हमेशा जिस प्रकार गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उचित मान सम्मान देने का हमेशा कार्य किया, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से उन्होंने अपने साथी अपने दोस्त की तरह उनके रहते हुए और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत दो दो बार हम लोग लोकसभा और दो दो बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर-घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ना सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, ये मेरा विश्वास वहाँ से आता है कि ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा।
कुछ तो खास है चिराग पासवान में कि जो बीजेपी उद्धव ठाकरे और अकाली दल जैसे पुराने सहयोगियों से किनारा कर लेती है, वो नाराजगी के बावजूद चिराग की न सिर्फ बात सुनती है बल्कि उसे मानती भी है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रहे थे। चिराग लगातार नीतीश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन खुद को मोदी का हनुमान बता रहे थे। चिराग पासवान के दल ने खुद भले ही परिणामों में बड़ी कामयाबी हासिल न की हो, लेकिन नीतीश कुमार की जदयू को तीसरे नंबर पर धकेलने का क्रेडिट तो चिराग को ही जाता है। जाहिर है बीजेपी चिराग पासवान में भविष्य का नेता देख रही है। चिराग को लोकसभा चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार में तेजस्वी के मुकाबले चिराग को मजबूत करने में बीजेपी का अपना भी हित छुपा है। चिराग पासवान की युवा वर्ग में लोकप्रियता भी गजब की है, अच्छे वक्ता के तौर पर हो या कुशल संगठनकर्ता के तौर पर। चिराग ने खुद को साबित किया है, चाहे जातीय समीकरण हो या भविष्य की राजनीति, चिराग पासवान बीजेपी के लिए हर लिहाज से मुफीद हैं। पीएम मोदी के प्रति चिराग की आस्था का इनाम उन्हें चुनाव के बाद मिल सकता है। कयास लग रहे हैं कि चिराग पासवान को अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय थमाया जा सकता है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।